हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पान दुबे, यूर फिजिक्स टीचर. टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में किसी बड़े फंक्शन को यदि हमें छोटे रूप में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? डिफरेंशिएशन का. जब किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी अपॉन डी एक्स. एक्स मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. सपोज इसका बेसिक फॉर्मूला है आपका डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू, मतलब हम किस फंक्शन को कर रहे हैं? एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. तो रिजल्ट क्या आएगा? जो इस एक्स की पावर है वो आएगी सामने एन, फंक्शन एज इट इज एक्स. अब पावर कितनी हो जाएगी? एन माइनस वन. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन. सपोज जैसे हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो उसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना है? जो एक्स की पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी आपकी? सामने. तो ये टू कहाँ पे आ गया? सामने आ जाएगा टू. फिर एक्स एज इट इज और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आप? टू माइनस वन. दैट मीन्स टू एक्स टू दी पावर वन इक्वल टू 2x. क्लियर? ये तो अभी अपन ने किसका किया? सिंगल फंक्शन का. अब यदि हमें कोई डबल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू दी पावर 3, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किस तरीके से? डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब. ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे. डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बी एक्स क्यूब. ठीक है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? इस एक्स स्क्वायर का और इस एक्स क्यूब का. ए और बी दोनों क्या है आपके? कॉन्स्टेंट. जब कांस्टेंट रहेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसको ये कह जाएगा आपका बाहर. तो ए डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेम चीज यहाँ पे बी आप बाहर आया एक्स क्यूब ए. अब हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. क्या हो जाएगा? ए इंटू टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन प्लस बी यहाँ पे क्या होगा? एक्स टू दी थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन. अब इसको पूरा मिला के लिखे अपन क्या आ जाएगा? टू ए एक्स प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब. ठीक है, सम इंपॉर्टेंट नोट्स. किसी भी कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट यहाँ अकेला है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा आपका? जीरो. जैसे डी वाई बाई डी एक्स टू, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? हमेशा जीरो. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? जीरो. क्लियर? अब यदि फंक्शन आपका एक्स का है बट उसका डिफरेंशिएशन हम किसी दूसरे को बेस लेके कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा. जैसे कि डी वाई वाई डी टी एक्स स्क्वायर, फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है बट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, जो कि नॉट पॉसिबल. क्लियर? ओके, थैंक यू.